गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मजे में तो हो? चलो कुछ पढ़ाई कर लें। आज हम हिंदी व्याकरण में प्रकरण उपसर्ग के विषय में चर्चा करेंगे। तो ये हमारी शीट है, टॉपिक है उपसर्ग। अब उपसर्ग किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्दांश शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हार मूल शब्द है, इसके आगे अलग अलग शब्दांश लगाकर इससे अनेक शब्द हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है बच्चों कि कोई भी शब्द जो मूल रूप से जो शब्द है उसका अर्थ कुछ और होता है, लेकिन उसके आगे हम कोई ऐसा शब्द या शब्दांश लगा दें जिससे उसका अर्थ बदल जाए तो वो शब्द या शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। जैसे हार शब्द को हम देखते हैं, हार का अर्थ होता है हारना, लेकिन अगर हम हार में पहले प्र लगा दें तो ये बन जाएगा प्रहार, और प्रहार शब्द का होता है अर्थ किसी को मारना, प्रहार करना। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम हार शब्द के पहले सम उपसर्ग जोड़ दें तो ये शब्द बन जाएगा संहार, जिसका अर्थ होता है संहार यानी नष्ट कर देना, किसी चीज का विनाश कर देना। तो यहाँ पर हार शब्द के आगे हमने दो शब्दांश लगाकर देखा, पहला प्र और दूसरा सम, और दोनों शब्दांश को लगाते ही उस शब्द का अर्थ बदल गया और उसका मूल अर्थ क्या था? हारना। लेकिन प्र लगाने के बाद उसका अर्थ हो गया प्रहार यानी उस पर किसी चीज से प्रहार करना, और संहार यानी सम उपसर्ग लगाने के बाद उसका अर्थ हो गया संहार करना यानी उसको नष्ट कर देना, उसका नाश कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये अर्थ क्लियर हो जाता है कि उपसर्ग क्या होता है। अब हम उपसर्गों के प्रकार देखते हैं। हिंदी भाषा में चार प्रकार के उपसर्ग होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग और चौथा संस्कृत के अव्यय। आइए हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कुछ उपसर्गों की मदद से नए शब्द बनाना सीखें। उपसर्गों में पहला उपसर्ग है अध। अध का अर्थ होता है आधा। जब हम किसी शब्द के आगे अध लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है वो शब्द आधा है, अर्थात जैसे हम देखते हैं अध मरा, यानी मरा के आगे हमने अध लगा दिया तो इसका अर्थ हो गया अध मरा यानी आधा मरा हुआ, वो व्यक्ति पूरा मरा नहीं है बल्कि आधा मरा है। इसी तरह से अध खिला यानी कोई भी फूल है और उसको हम कहें अध खिला तो यानी वो पूरा खिला हुआ नहीं है, वो अभी आधा खिला है। या अध पका तो इसका अर्थ होता है वो आधा पका हुआ है। इसी तरीके से अगला उपसर्ग है कम। कम का अर्थ होता है थोड़ा, कमज़ोर यानी जिसमें जोर कम हो, यानी थोड़ा सा कम वो शक्तिशाली है, उसमें ताकत कम है। या कम दिल यानी जिसका दिल बहुत थोड़ा सा है, छोटा सा है। या कम खर्च यानी थोड़े से खर्च में। तो यहाँ पर कम उपसर्ग लगाने से इन शब्दों के अर्थ बदल गए। इसी तरीके से हम देखते हैं हम। हम का अर्थ होता है समान, जैसे हम शक्ल यानी किसी की शक्ल एक जैसी है तो वो हो जाएगा हम शक्ल। या हम दम या हम पेशा, इसका अर्थ होगा कि हमारे समान पेशा है उसका और हमारा एक जैसा पेशा यानी एक जैसा काम है। इसके बाद है अति। अति का अर्थ होता है अधिक, अत्यंत, अत्यधिक, अतिरिक्त, तो इन सब में इसका अर्थ अधिक के रूप में प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे, तो अनुकरण यानी पीछे पीछे करना, अनुवाद,
या अनुचर, तो इन सब में अनु शब्द का अर्थ पीछे के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस तरीके से उपसर्ग अगला है उप। उप का अर्थ होता है छोटा। उप प्रधान, उप मंत्री, उप राष्ट्रपति, यानी वो छोटा राष्ट्रपति है या छोटा मंत्री है। तो इस तरीके से उप हम जब उपसर्ग लगाते हैं तो उसमें छोटा अर्थ प्रयुक्त होता है। इसी तरीके से अगला है निर। अब हम कुछ शब्दों को तत्सम और तद्भव जैसे निर्जन देखेंगे। तो इसका मतलब कोई जगह ऐसी है जहां पर इसको मनुष्य नहीं है, जन रहित पोखर कहा जाता है, इसका अर्थ हो जाएगा। या तत्सम शब्द में गर्धव कहा जाता है और तद्भव में उसका निर्मल अर्थात मल रहित, यानी उसमें कोई भी गंदगी। ऐसे ही पाषाण। इसके बाद अगला उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है तक या इसका बनेगा चार, जैसे आजीवन यानी जीवन भर। बहु आचरण, आजन्म शब्द यानी जन्म तक, जितना हमें जन्म मिला है उसका तद्भव रूप होगा ज्योत। इसी के बाद अगला है नी। नी का अर्थ होता है निषेध, प्रहर यानी मना है, पहल के लिए। जैसे निदान, तो इसको तद्भव रूप में कहेंगे 18 है, यानी निबंध का अर्थ होगा जैसे जो बना हुआ, इसको कहेंगे नया। इसी तरीके से अगला है परी। परी का अर्थ होता है चारों ओर, जैसे परिजन, हाथ, परिमाण, परिणाम। तो इसका अर्थ होता है यानी चारों ओर से वो नपा हुआ है। इसके बाद है सु। सु का अर्थ होता है अच्छा, जैसे सुपुत्र, तो इसका मतलब हो गया अच्छा पुत्र। सुयश यानी अच्छा यश। सुकवि यानी अच्छा कवि। इसी तरीके से कु उपसर्ग हो तो उसका अर्थ होगा बुरा। कुपुत्र यानी बुरा पुत्र, कुपत यानी बुरा मार्ग, कुसंग यानी बुरी संगति। इसी प्रकार अगला है अन। अन का अर्थ भी अभाव या निषेध होता है, यानी अनपढ़ यानी जो पढ़ा हुआ नहीं है, अनदेखा जो देखा हुआ नहीं है, अनमोल जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। इसके बाद है अप। अप का अर्थ होता है अभाव या बुरा। तो अपवाद, अपशब्द, अपमान, यानी हमने बुरे शब्द किसी को कहे तो वो हो जाएंगे बुरे शब्द, या किसी का मान नहीं किया तो वो हो जाएगा अपमान, ठीक है। तो आपने देखा इन शब्दों में यदि हमने उपसर्ग लगा दिया तो किस तरीके से उस शब्द का अर्थ बदल गया। तो इस तरीके से ये सभी शब्दांश उपसर्ग हैं जिनको हमने किसी भी शब्द के आगे लगाया और उसका अर्थ परिवर्तित कर दिया। अब हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग पृथक करके लिखिए। अधखिला, कम दिल, अत्यंत, उपराष्ट्रपति, अनुचर, निर्मल, अपमान, अधपका, आजन्म, निवास, परिमाण, सुपुत्र, कुपथ, कुसंग, अनमोल, परिजन, निबंध आदि। तो इन शब्दों में आपको उपसर्ग को अलग करके लिखना है और मूल शब्द अलग करके लिखना है, ठीक है। जैसे ऊपर हमने अभी बताया था कि कौन कौन से उपसर्ग हैं, तो उन्हीं में से ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, ये आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं। तो यहाँ ये शीट खत्म होती है। अगली शीट लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।